Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. Last videos में हमने आपको exercise 3.3 का question number first बता दिया था. आज हम चलते हैं उसके अगले question number 2 पर, जिसमें कहा गया है solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. And hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. यानी पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर हमें एक इक्वेशन दी है y equal to mx plus 3, उसकी हेल्प से m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का. तो फिर क्योंकि हमने अब तक जो मेथड सीखा है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीखा है एलजेब्रिक मेथड में. तो फिर वी विल टेक द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x plus 3y equal to 11. तो 2x को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 3y equal to 11 minus 2x हो जाएगा. तो y equal to 11 minus 2x upon 3 हो जाएगा. ओके, आफ्टर दैट ये जो y की वैल्यू आई है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, अब हम इसे सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे. तो सब्स्टिट्यूट y equal to 11 minus 2x upon 3 इन इक्वेशन सेकंड. आफ्टर दैट ये जहां y है वहां पर ये रख देना, बाकी कोई चेंज नहीं है. 2x minus 4 y की जगह ब्रैकेट लगा कर ये वैल्यू दी गई equal to minus 24. आफ्टर दैट पहले 4 का इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2x upon 1 मान लिया है, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 11 4 जा 44 और 4 से 4 2 जा 8x अपॉन 3. इसके अपॉन 1 मान के एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6x हो जाएगा माइनस. अब ये 3 से तो 3 डिवाइड टाइम में 1 टाइम जाएगा, इसलिए इसका न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, बट इट हैज नेगेटिव साइन बिफोर द ब्रैकेट. तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. जब साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा, ये माइनस का 44 प्लस 8x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24. अब हम क्या करते हैं, 8x और 6x कितना हो गया 14x माइनस 44 और 3 को उधर भेज देंगे तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा माइनस 24 से, दैट इज वी गेट माइनस 72. अब 72 इधर आप सॉल्व करने के लिए माइनस 44 को उधर भेजेंगे, प्लस का 44 हो जाएगा यानी 14x इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44. अब ये सॉल्व करते हैं 14x इक्वल टू माइनस 28, तो x इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 14, दैट इज x इक्वल टू कितना आ गया हमारा माइनस 2. x निकलने के बाद हम निकालते हैं y की वैल्यू. तो पुट x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन थर्ड, किसी में रख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, बट थर्ड में रखना ज्यादा इजी होगा क्योंकि इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो जहां पर x है वहां पर हमने माइनस 2 रिप्लेस करना है, 11 माइनस 2 इनटू x की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 3. बाय सॉल्विंग इट 11 माइनस 2 का माइनस 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 4, 11 प्लस 4 हो गया 15 अपॉन 3, दैट इज y इक्वल टू का 15 अपॉन 3, दैट इज y इक्वल टू 5 हो गया. तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड की. अब हमें निकालना क्या है m की वैल्यू. आप देखेंगे सिंस y इक्वल टू mx प्लस 3 यू हैव गिवन, सो पुट x इक्वल टू माइनस 2 y इक्वल टू 5 इन दिस इक्वेशन. x की जगह माइनस 2 की जगह 5 रख देंगे तो 5 इक्वल टू m मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 3, यहाँ x है माइनस 2 आ गया, y है 5 आ गया, 5 इक्वल टू माइनस 2 m प्लस 3. तो इधर 2 m इधर आ जाएगा तो 3 माइनस 5 उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा. तो 2 m इक्वल टू इधर माइनस का 2m था, इधर प्लस का 2m हो गया, इधर 3 ये माइनस 2m माइनस 5, तो 2m इक्वल टू आपको माइनस 2 मिला. तो m इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो m इक्वल टू कितना होगा माइनस 1. आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच सेइंग दैट फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सम्स दिए हुए हैं और उनके लिए आपको लीनियर इक्वेशन पहले बनाने हैं और उन्हें फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. चलते हैं पहला क्वेश्चन में कहा गया है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है. फाइंड देम, तो उन नंबर्स को फाइंड करिए. हमने अज्यूम किया लेट टू नंबर्स इक्वल टू x एंड y एंड x इज ग्रेटर देन y, बिकॉज़ यहां पर जो दिया वो डिफरेंस दिया हुआ है. तो जब डिफरेंस दिया होता है तो हम उसमें एक नंबर बड़ा ऐसो करते हैं कि जो भी नंबर चाहे x को बड़ा मान लीजिए या y को, हमने x को बड़ा माना है. तो आप जब डिफरेंस फाइंड करेंगे करते हैं तो बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करते हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सेइंग दैट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ये कहा गया है इनका डिफरेंस अब 26 है तो x माइनस y इक्वल 26 हो गया, इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एंड सेकंड कंडीशन में कहा वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, x इक्वल टू 3y
x equal to 3y. Transpose करें x minus 3y equal to 0. It is equation number second. Now we have two equations and we have to solve them. अब ये हमारे पास दो equations हैं, उनको हमें क्या करना है? Solve करना है. So substitution method से from equation second ले लेते हैं, इसी पढ़ेगा यहाँ. तो 3 x minus 3y equal to 0. x equal to 3y को हम transpose कर दिए, x equal to 3y आ गया. It is equation number third. अब वही same process है. Substitute x equal to 3y in equation first. क्योंकि अभी second से निकाला है, तो first में रखेंगे. जहाँ y है वहाँ x है, वहाँ 3 है y रख देंगे. 3y minus y equal to 26, तो 2y equal to 26. y equal to 26 upon 2. तो y equal to कितना हो गया? 13. y value कितनी हो गई? 13. अब ये value किसमें put कर देंगे? Third में. Put y equal to 13 in equation third. Third में रखेंगे y की जगह, तो क्या x equal to 3 into 13. That is x equal to 39. So hence two numbers are. यानी दो numbers कौन-कौन से हैं? पहला था x इक्वल टू 39 और दूसरा था बाई, सो बाई इक्वल टू 13. आफ्टर दैट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन विच सेइंग दैट द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 80 डिग्री फाइंड देम. यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिसका जो लार्जर एंगल है, बड़ा वाला जो एंगल है, जो स्मॉलर एंगल से 80 डिग्री ज्यादा है, तो उन एंगल्स को आपको फाइंड करना है. तो हमने क्या किया है, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y. मान लीजिए दो सप्लीमेंट्री एंगल x एंड y है, जिसमें x ग्रेटर देन y है, लार्जर एंगल x है. तो जब ये सप्लीमेंट्री एंगल है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देयर सम विल बी 180 डिग्री. तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. तो x plus y equal to 180 डिग्री. इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन सेइंग दैट कि लार्जर एंगल इज एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी छोटे वाले से 18 ज्यादा है. तो हमारा x equal to y plus 18. सिंपलीफाई इधर ट्रांसपोज करते हैं, x minus y equal to 18. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू सॉल्व देम बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हमने यहां भी सेकंड इक्वेशन लिया x minus y equal to 18. तो x equal to 18 plus y इधर a plus हो जाएगा. इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सब्स्टिट्यूट x equal to 18 plus y इन इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज ये हमने किसने निकाला था? सेकंड से निकाला, तो फर्स्ट में रखेंगे अब. तो जहां पर x है वहां क्या रख दिया जाएगा? 18 plus y. यहां रख देंगे 18 plus y, then we get 18 plus y equal to 180. सॉल्व करते हैं, y by 2y हो गया, 18 दो चला गया, माइनस का हो गया, तो 2y equal to 162 हो गया. आगे सॉल्व करते हैं, y equal to 162 upon 2, that's y, y equal to हुआ हमारा 81. Now, put y equal to 81 in equation third. फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में रख देते हैं, लेकिन थर्ड में रखना ज्यादा सूटेबल होगा, इसलिए थर्ड में रख दिया है. x equal to कितना? 18 plus y है, तो y की वैल्यू 80 में रख दी है. ऐड करेंगे तो कितना होगा? x equal to 99. हेंस टू एंगल्स आर, यानी टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर. पहला एंगल आपका x यानी 81 हो गया, x equal to 99, सॉरी x equal to 99 हो गया. और सेकंड एंगल क्या था? y, y equal to कितना? 81. दिस आर द 99 डिग्री एंड 81 आर द टू रिक्वायर्ड एंगल्स. After that, third part of this question in which saying that the coach of a cricket team buys 7 bats, 6 balls for ₹3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. We have assumed that let the cost of each bat equal to rupees X and the cost of each ball equal to rupees y. According to first condition saying that, पहली condition कहा गया 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. तो 7 bats का मतलब 7x, एक bat की cost x है, तो 7 bat की 7x हो गई. and 6 balls तो plus 6y equal to 3,800. it is equation number first. after that according to second condition later c buys 3 bats and 5 balls. 3 bats 3x plus 5 balls 5y equal to 4 rupees 1,750. 1,750, it is equation number second. Now we have two equations, two linear equations, two variables, and we have to solve these with the help of substitution method. So we will take from equation first. पहला equation यह 7x plus 6y equal to 3,800. 6y equal to 3,800 minus, थोड़ा जाके 7x हो जाएगा. 6 को ट्रांसपोज कर देंगे तो अपॉन में आ जाएगा.
It is the y equal to 3800 minus 7x upon 6. It is equation number 3rd. Now substitute y equal to 3800 minus 7x upon 6 in equation 2nd. सेकेंड इक्वेशन में इसे पुट कर देते हैं, इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू आई है इसे सेकंड को फर्स्ट से निकाला था सेकंड रख देंगे, कितना हो जाएगा 3x plus y, y की जगह 5 और y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे पूरा ये वैल्यू रख दी गई इक्वल टू 1750। सॉल्व करने के लिए पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करते, 5 का मल्टीप्लाई 3800 और 5 से करेंगे तो 19000 मिलेगा और 7 से करेंगे तो 5 चलिए 35x अपॉन 6 इक्वल टू ये 1750 हो गया। इसके अपॉन 1 मान लेंगे और 6 और 1 से एलसीएम ले लेंगे, वो 6 हो गया, 6 से 3 जा 18 हो जाएगा और ये ऐसे रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 19000 माइनस 35x इक्वल टू कितना होगा 1750। अब ये 19000 ऐसे लिखा है माइनस के 35x प्लस का 18x तो माइनस का 17x बचा, 6 को उधर भेज देंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1750 से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 10500। अब इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 17x इक्वल टू 10500 माइनस 19000 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस का 8500 मिलता है इधर माइनस के 17x तो माइनस से माइनस कट गया। इसके बाद हमें क्या मिला x इक्वल टू 8500 अपॉन 17, ये 17 अपॉन में आ गया, 17585 होता है दैट इज x इक्वल टू कितना आया 500। आफ्टर दैट पुट x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 3rd, ये जो x की वैल्यू आई थर्ड इक्वेशन में हम रख देंगे तो कितना आएगा y इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 अपॉन 6। अब ये 3800 माइनस 7500 3500 जिसे माइनस करेंगे इसमें तो y इक्वल टू कितना हो गया 300 अपॉन 6 बाय सॉल्विंग इट इक्वल टू वी गेट y इक्वल टू 50। सो हेंस द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, बैट की कॉस्ट कितनी है रुपीज 500 एंड ईच बॉल कितना है रुपीज y दैट इज रुपीज 50। आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू सी दैट पढ़ो घर से कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे। दक्ष ट्यूटोरियल्स प्रेजेंट्स ऑनलाइन लिव क्लासेस मोबाइल नंबर 8279452537।